इसको देखो अभी सामान को कितने फोड़ रहा है। ये मंडी गुंडे का भी है ये। गाड़ी तो साइकिल तो पड़ी है बाहर। ये साइकिल पड़ी है। नहीं मैं ये नहीं चलाऊंगा, मैं तभी बाहर घूमूंगा थोड़ा सा। तो स्वागत है एक और नए व्लॉग में। हम आए हैं छत पे, आज संडे का दिन है और नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है, मतलब आज ठंडी है इधर भी खूब तरीके से, डब्बा के ठंडी पड़ रही है ना। ओहो रत्तू आ गया दौड़। हाँ पकड़म पार्टी अब हम खेलने जा रहे हैं और दिन का अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है। दिन लेकिन जो है ना ठंडा वाला है, हवा भी चल रही है और जा रहा हूँ मैं खेलने यार। पहले पकड़म पार्टी खेलता हूँ फिर बताता हूँ ना। पकड़ लिया ना, अब पकड़ लिया। आप रुको रुको, अब क्या है? अब मैं आप मेरे को पकड़ना ठीक है। हाँ। मैं भाग रहा हूँ। हाँ। पुष्पा पुष्पा को मैं पकड़ूंगा। पुष्पा पुष्पा रुक। अरे अरे अभी तू बोल रहा था ना कि मैं झुकेगा नहीं, वो फिर से बोल एक बार करके दिखा दे। हाँ चिड़िया को मैं कर रहा, एक बार करके दिखा दे। ऐसे ऐसे झुकेगा नहीं बोल रहा था। हाँ बोल। हाँ पुष्पा हाँ उसको छोड़ दे, तू बोल। झुकेगा नहीं ऐसे, झुकेगा नहीं। हाँ आप भी करो बोल। क्या अच्छी क्लास है? कौन लाया था? दादा। किसके लिए? मेरे लिए। वाह यार दादा कितना मानते हैं बेटू को। अरे घर हो रहा है रतन ने, भाई रतन ने बाजा बजा रहा है और दादा उसके डांस कर रहे हैं। वाह क्या बात है, ये प्रैक्टिस हो रही है रतन की शादी के लिए। रतन की शादी में ऐसी प्रैक्टिस काम आएगी। रतन की शादी की तैयारी जोरों पे चलते हुए। चलो 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 ओ, ये देखो भाई रतु आप भी डांस कर दो, डांस करो दादा के साथ। अच्छा दूल्हा खुद ही नहीं नाचना चाहता है। हाँ दादा दादा बजाएंगे, दादा दादा के बेटे। अरे दादा बजाएंगे। हाँ तू अब ना तू डांस। दादा थक गए अब, दादा थक गए भाई। शादी की तैयारी पूरी, दादा डांस करना सीख गए और रतन बाजा बजाना। रतु मेरे को डरा रहा है, ये देखो कैसे डरा मेरे को, कैसे डराएगा।
भाग गई, ये कौन है? अरे मेरे पास एक जादू शक्ति ओम भूर भुआ स्वाता सब दुर्वणम मर्गो देव दिमे दिन चोदा ढुम। मैं भूतों से नहीं डरता हूँ। मैं ये देखो भैया, मंडी में गुंडागर्दी ऐसे होती है। एक बंदा ना सब के ठेले पे डंडा मार मार के तोड़ते हैं ये लोग। रुक 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 रुक, मैं रुक। ये जो बंदे हैं ना, ये दो लोग लाठी लेके मंडी प्रशासन है, हो सकता है ठेले खड़े करने के लिए मना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि ये देखो ये सामान ही गिरा दो यार किसी। ये है मंडी। मंडी में मतलब कभी कोई ठेले वेले लगाने की शायद परमिशन नहीं होगी, लेकिन ये जो मंडी के गुंडे हैं ना, देख रहे हैं ये बेच रहा है, और ये उसको देखो अभी सामान को कैसे कोट रहा है। ये मंडी गुंडे का भी है। ये देखो गुंडा कर दी है इनकी, मतलब कोई कुछ बोल तो सकता नहीं इनको, कौन बोलेगा? हो सकता है मंडी ऑथराइज करती हो मारने मारने का, ठीक है भाई, लेकिन इस तरीके से एकदम गलत है। ये लगा डंडा वंडा किसी को लग जाए फिर क्या करेंगे? ये रहे गुंडे साहब, मस्त जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। भाई कौन बोलेगा? ये गेट पे तैनात वैनात रहते ना, यही लोग हैं ये। हाँ देख कौन आ गया, कौन आ गया, पहचान लो। मम्मी आ गई, क्या क्या लेके? पुदीना और धनिया दोनों। अरे बाप रे, अबे मैं खोल लूंगा, देख मेरे घर आने दे, अंदर तो आने दे भाई। क्यों नहीं चुने देगा? अरे यार खोल लेने दे यार, प्लीज यार, चल चल प्लीज प्लीज। अच्छा चल, मैं तो खींची दूंगा, मैं खींची दूंगा, खींची जल्दी खोल। फिर दादा के साथ मैं सामान लेके आता हूँ, कल से सामान नहीं लाऊंगा। चलो ये देखो, सुन नहीं रहा दादा मेरा टोपी, मेरा टोपी। हाँ। तू पाला? हाँ। क्यों पाला? चल पहले गेट खोल दे। आई वांट टू खोल, नहीं खोलेगा, छूने नहीं देगा। फिर मैं जा रहा हूँ पापा, आप चले, मैं जा रहा हूँ। गेट खोल दे, मेरे को अंदर आने दे। अरे बाहर की तरफ नहीं, बाहर अपनी गाड़ी टूट जाएगी। हाँ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। मैं तो निकल गया, मैं अंदर आ गया। अरे फिर तू मेरे को अंदर क्यों नहीं आने देना चाहता है भाई? अरे अरे इसकी साजिश है, साजिश है, साजिश को मैं पर्दाफाश करूंगा और आज इसकी डिसीम होने वाली है। भाई ये क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं अंदर भी आ गया। भाई खाना तो घर में बना था, लेकिन पापा ने अपने लिए स्पेशल ये वाली सब्जी बनाई है। कौन सी की? केवल आलू, और इसमें क्या है, सरसों और लहसुन, कच्चा मसाला की सब्जी है। कैसा बना पापा? बहुत मस्त है। ये देखो पापा बता रहे हैं बहुत मस्त है, तो मैं भी खा के देखता हूँ, बताता हूँ कैसा है। चौक में भाई बहुत मस्त बना है। अच्छा बना। पापा मीठा क्यों लाते? संतरा मीठा क्यों होता है? होता खाने के लिए होता है मीठा। नहीं नहीं यार मैंने खा लिया, आप खा लो। तो खाते नहीं है, तो ना बना के पीते हैं, जूस बना के पीते हैं ना, तो सुबह कल जूस बना देंगे आपके लिए बस। हाँ तो भैया हम जो है ना, नहाने वाने के बाद दोपहर में एक घंटे सो गए थे। आज नींद तो आई नहीं, क्योंकि इधर भटभट भटभट भटभट, क्योंकि रोड है तो पास में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये देखो ये भी आ, ये भी देख गया, बस फोन भी आ गया। अभी हमारे पास है बजिए, खा रहे एंजॉय करते हैं। शुरुआत हो गई हम खाने आके खा लिया। हाँ ये कहना चाहता है कि शुरुआत हो गई है, नहीं हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। शाम को हम लोग दादा के साथ गए थे, सब्जी उब्जी लेके आए, बनाया मस्त, और फिर खाया।
है ना, तो खाना वाना खा लिया हम लोग, और उसके बाद रतन, अभी मैं खेल नहीं पाया हूँ रतन के साथ क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में लग गया था, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। हाँ ये बता रहा है, हमारे ऊपर छत पे ना लकड़ी रखी थी, आज क्या ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही, तो हमने सोचा यार चलो छत पे जो लकड़ी रखी है उसको ले आते हैं, लेकिन पता चला कि कोई लेके चला गया उसको अपने घर में, हमने खा चुरा के ले गया, तो चोरी करके लेके चला गया, लकड़ी की चोरी हो गई हमारे वहाँ भाई। तो आज जो मतलब सोचा था कि यार रात मतलब शाम हमको ठंड में ज्यादा थी तो थोड़ा जला के और तापते वापते, तो वो सुख भी नहीं मिला, लेकिन ठीक है। आज जैसे प्लान मेरा ये भी था कि हम शायद दाल बाटी खा लें, नहीं बाटी बनाए बाटी, वो भी नहीं बना पाया क्योंकि कंडे लेने ही नहीं जा पाया मैं बहुत कर्माठूना इसलिए ठीक है। तो आज का दिन भैया खत्म हो गया, मतलब संडे देखो यूं आता है यूं निकल जाता हाथ से, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चला। 11-12 बजे आए, हाँ 11-12 बजे बज गए मंडी में, 12-1 बजे है ना, फिर आओ नहाओ धो, 1 घंटा सोया लेकिन आज बस 1 घंटा, तो 1 घंटा सोया, फिर उसके बाद काम काम ये वो इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह, खत्म हो गया दिन। कल वापस से पूरे हफ्ते के लिए रेडी हो जाओ, ये ले पकड़ लेता हूँ ये भैया, ये हमारा खेलने में बहुत काम आ रहा है आजकल। चुरा के ले गया हमारी, कौन ये नहीं चुरा के ले गया, ये तो है हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हमारे पास है ना खेलने के लिए, ये है बड़ा है। ठीक है तो अभी अपन चलते हैं खेलते हैं थोड़ा सा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा। अबे स्क्रीनशॉट ले लिया भाई ये तो।